ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या आवेश मियां, विजेंद्र को ईद नहीं मिलोगे? सब मिलके रहो, प्यार से रहो, क्योंकि धर्म के नाम पे जब जब लड़ाई हुई है, किसी का भला नहीं बुरा ही हुआ है। ईद मुबारक, जय हिंद। भाई आपसे बात करनी है कुछ। हाँ बोलो भाई। आपके पास पैसे हैं उन गरीब लोग को देने के लिए? उन लोग को देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास? शायद जितने पैसों में तुम्हारे कपड़े आएंगे ना, उतने पैसों में इन गरीबों का राशन आएगा। यहाँ तुम कपड़े पहन के खुशियाँ मनाओगे, माँ वो खाना खा के अपनी भूख मिटाएंगे। तो एक बार अगर हम ईद नहीं मनाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो क्यों ना इस बार हम अपनी खुशियाँ छोड़ के दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाएं। अल्लाह हाफिज़। यस 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 यस। माँ शामा। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो। अभी नहीं, अभी गेम चालू है। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो बेटा। मैंने कहा ना अभी नहीं पढ़नी, गेम चल रहा है। मार दो। ये मैं जीत गई। क्या ये गेम नमाज और माँ बाप से बढ़कर है? नहीं ना। तो प्लीज अपने माँ बाप की बात सुनिए, क्योंकि वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। लव यू मॉम। भाई जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईदी, बस बस, थैंक यू। आप सबको भी ईद मुबारक। भाई जान, कल ईद है, पहले मैं करा लूं? आप तो वैसे भी हिंदू हो, आप तो बाद में भी करा सकते हो। ईद सिर्फ मुसलमान की होती है क्या? अरे नहीं नहीं भाईजान, ईद तो सबकी होती है। आप बैठिए। सॉरी भाईजान, ईद मुबारक। छोटी पा, नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होती है, और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल हुई? मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक ना एक दिन जरूर कबूल होगी। मैं भी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी। क्यों नहीं होगी, पढ़ो नमाज। अरे वाईशान, आज तो तुम मुझसे पहले ही नमाज पढ़ने बैठ गए। जी छोटी पा, मैं इतने टाइम से नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ भी मांग रहा हूँ, अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? आपकी दुआ कबूल हुई? हाँ मेरी दुआ कबूल हुई ना। क्या दुआ मांगी थी? मैं हर रोज यही दुआ मांगती थी कि मेरा छोटा भाई ईशान नमाजी बन जाए, और देखो तुम नमाजी बन गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है। देर से ही सही, पर तुम्हारी दुआ भी एक दिन कबूल करेगा। ये लो तुम्हारे लिए ईदी। ईदी? पर मैं तो तुझसे बड़ी हूँ। तो उसमें क्या हुआ, ईदी बड़े छोटे थोड़ी दिल से दी जाती है। मेरा भाई तू कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, मैं तो ये कहता हूँ कुछ ऐसा कर जाओ कि हर मजहब की आप पहचान बन जाओ। ईद मुबारक सबको।
नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से ये कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। क्या हो भाई, पागल हो गया क्या? मनी मन में क्यों मुस्कुरा रहा है? नहीं यार भाई, सरकार का दिन आ रहा है तो दिल अंदर से मुस्कुरा रहा है। कौन से सरकार? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। झंडे लगाओ यार, भूख भी बहुत लगी है। मम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। लाती हूँ दो मिनट। ठीक है, मेरा तो पेट भर गया। मम्मा आपने तो खाया ही नहीं, हमने तो सब खा लिया। मेरा रोजा है ना बेटा। ईशान, मम्मा का रोजा है लेकिन वो घर के सारे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उनकी हेल्प करें उनके काम में। आजा लाओ मम्मा, मुझे दे दो, आपका रोजा है। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। नहीं मम्मा प्लीज। अरे मम्मा आप काम क्यों कर रहे हो, आपका रोजा है ना, आप जाके आराम करो। बेटा मैं धो लूंगी। नहीं मम्मा मैं कर लूंगी, मुझे दीजिए, आप जाइए। हमारी मम्मा हमारे लिए इतना सब कुछ करती है तो क्या हम उनके लिए थोड़ा भी नहीं कर सकते। और मदर्स डे सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर रोज होता है। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे। तू समंदर में भटकी। हेलो, हाँ करीम, ईद मुबारक हो भाई। अरे भाई आपको भी ईद मुबारक भाई जान। की पार्टी तो आया नहीं अभी तक। फोन काट दिया यार उसने। फोन स्विच ऑफ जा रहा है। बेटा करीम, तुम अपने दोस्तों के साथ ईद मनाने क्यों नहीं गए? अरे नहीं, वो सब बिंदु है, मैं उनके साथ ईद कैसे मनाऊंगा। अरे करीम, बस इतनी दोस्ती थी क्या हमारी? जब तू हमारे साथ होली दिवाली बना सकता है तो ईद क्यों नहीं? ईद मुबारक मेरे भाई। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ओ लल्लू, कहाँ जा रहे है? और क्या गलत काम करने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हे, क्या बोला और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था और तू मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। वो क्या है ना, हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिचुएशन में होते तो वो भी यही किए होते। जन्नत भी गवारा है मगर मेरी नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह हाफिज़।